हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से बिल बना सकते हैं। कुल दो प्रकार से आप यहां बिल बना सकते हैं। दोस्तों, दोनों प्रकार मैं आपको बताऊंगा। दो अलग अलग बिल बनाऊंगा जिसके अंदर एक के अंदर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, दूसरे के अंदर दूसरी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। दोस्तों, इस रिगार्डिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह है 23 मार्च 2020 का ऑर्डर भी है। आप इसमें देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, इन दिस रेफरेंस फिजिकल सबमिशन ऑफ बिल विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान जो है फिजिकल बिल जो है नहीं प्राप्त किए जाएंगे ट्रेजरी के द्वारा, क्योंकि इससे कोरोना के जो संक्रमण का खतरा है, इसलिए कुल दो टाइप से यहाँ पर जो बिल हैं आपको ट्रेजरी प्रेषित करने हैं। फर्स्ट ये रहेगा जिसके अंदर आप ई अकाउंट सबमिशन प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा आप यहाँ बिल सबमिट करें। सेकेंड जो प्रोसेस है वो रहता है वो लोग जिनका अभी तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं शुरू हुआ है, उन्होंने अभी तक डोंगल नहीं बनवाया है, उन लोगों के लिए है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर सेकंड जो प्रोसेस है बिना डिजिटल सिग्नेचर वाला, मैं आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आप बिल बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप बिल नंबर एलोकेशन कर लेंगे। इसके लिए आप बिल प्रोसेसिंग में चले जाएंगे। बिल नंबर एलोकेशन आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, विंडो रिफ्रेश होगा और कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ आप सेलेक्ट ऑप्शन में बिल एलोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप बिल एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से आपको एक नीचे की तरफ एक मेनू ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर आप बिल टाइप के अंदर सबसे पहले आप सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। सैलरी बिल बना रहे हैं तो अन्य किसी प्रकार का बिल है तो वहाँ से वो आप टाइप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सैलरी बिल आपको बता रहा हूँ इसलिए सैलरी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिल सब टाइप में आप यहाँ रेगुलर डालेंगे क्योंकि जो सैलरी बिल है वह एक रेगुलर बिल है। ऑब्जेक्ट हेड में आप संवेतन के लिए 01 टाइप करेंगे। दोस्तों, पे मंथ आप यहाँ उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ का आप जो बिल है वो बना रहे हैं। मैं यहाँ इस एम्प्लॉय का फरवरी माह का बिल बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ फरवरी मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ईयर 2020 बाय डिफ़ॉल्ट है। आप चाहें तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं बट ये बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। बिल डेट आज की डेट बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। यदि आप थोड़ा बहुत ही इसमें पीछे करना चाहते हैं डेट को तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। बिल नंबर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो आपके बिल नंबर भी वापस एक से लेकर शुरू होंगे, इसलिए आप बिल नंबर यहाँ एक डाल देंगे। इसके बाद में आप उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जिस ग्रुप में एम्प्लॉय है और आप यहाँ पर सबमिट जो आपको टैब प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली। आपका जो बिल नंबर एलोकेशन का कार्य है वो यहाँ सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। आप ओके कर देंगे पॉपअप मैसेज को। दोस्तों, यहाँ आपका बिल का जो है फर्स्ट स्टेप यहाँ पूर्ण हो जाता है। अभी आप सेकंड स्टेप पर आएंगे, सैलरी बिल। आप आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे एम्प्लॉय पे डिटेल में। जैसे ही आप एम्प्लॉय पे डिटेल पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से विंडो एक बार रिफ्रेश होगा, पे डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, ईयर आप यहाँ लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से, सिलेक्ट ग्रुप आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने अभी बिल नंबर एलोकेशन किया था, एम्प्लॉय आप यहां से लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे, आपको यहां लिस्ट प्रदर्शित होगी। दोस्तों, जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं बेसिक पे डिटेल्स आपके सामने प्रदर्शित हो जाती हैं। बेसिक पे एम्प्लॉय की आपको यहां प्रदर्शित हो रही है, डी आपको यहां प्रदर्शित हो रहा है, एचआर आपको यहां प्रदर्शित हो रहा है। डी की जो रेट है मैं उसको यहाँ अपडेट कर देता हूँ। अमाउंट से मैं इसको 4692 कर देता हूँ जो 12% के अनुसार है। बाकी जो बचा हुआ डी ए यहाँ पर है वह है एरियर के द्वारा इनका आहरित कर लिया जाएगा। अभी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी पैनफ जो है इनका उसका डिडक्शन यहाँ आपको प्रदर्शित हो रहा है। आप यहाँ इस फॉर्मूले को एडिट कर देंगे, आप यहाँ फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला आप अपडेट कर देंगे। दोस्तों, अभी यहाँ एम्प्लॉय का जो SI प्रीमियम है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं SI ऐड कर देता हूँ। SIP टाइप आप यहाँ, मैं यहाँ इनका अमाउंट कर देता हूँ ताकि मैं इनका पुराना जो फिल है मैं वो इनका कर सकूँ।
दोस्तों आप यहां पर SI प्रीमियम इनका ऐड कर देंगे। यदि आपके यहां पर SI प्रीमियम 1300 यदि मतलब यह स्लेब के अनुसार कम है नहीं ऐड होता है, उस सूरत में आप इसको पहले अमाउंट को न्यूनतम स्लेब के अनुसार फिल कर देंगे। जैसे इसके अनुसार 2200 यहाँ पर न्यूनतम बनता है तो 2200 यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद में आप इसको एडिट करके अमाउंट को 1300 कर देंगे और ये सक्सेसफुली एडिट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों आपका यह जो यहाँ का जो प्रोसेस है कम्प्लीट हो चुका है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सेकेंड स्टेप है ये भी यहाँ सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाती है। अभी आपका जो आगे का जो प्रोसेस रहता है वह रहता है मंथली सैलरी प्रोसेस का। उसके लिए आप बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, वही आपकी प्रक्रिया रहेगी। सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए आगे की तरफ आएंगे, एम्प्लॉय पे डिटेल के नीचे की तरफ आपको ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा होगा मंथली सैलरी प्रोसेस। आप यहां इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे विंडो एक बार रिफ्रेश होगा और इस प्रकार का इंटरफेस आपको प्रदर्शित होगा। आप यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फरवरी माह के अपना वेतन बना रहे थे। इसके बाद में ईयर आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे, 2020 है तो मैं 2020 यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दो चेकबॉक्स दिए गए हैं। यदि आप इस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी का बिल बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे जो बिल नंबर के आगे प्रदर्शित आपको हो रहा है। यदि इंडिविजुअल आपको किसी की सैलरी बनानी है तो आप ऊपर वाले चेकबॉक्स को भी यहाँ क्लिक कर देंगे। मेरे ग्रुप में यहाँ एक ही एम्प्लॉय है इसलिए मैं डायरेक्ट इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट चेकबॉक्स को यहाँ क्लिक नहीं करूँगा। आप ओके कर देंगे। इस मंथ की जो सैलरी बिल है वो पहले बना हुआ है दोस्तों, इसलिए अभी इससे पहले उसको अपने को डिलीट करना होगा। डिलीट करने का प्रोसेस के लिए आप ऑथोराइजेशन में जाएंगे, यहाँ से आप ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है बिल रिवर्ट, आप इस टैब पर क्लिक कर देंगे। विंडो दोस्तों एक बार रिफ्रेश होगी, आप यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय रेफरेंस नंबर, मैनुअल सर्च। आप यहाँ मैनुअल सर्च कर लेंगे। मंथ आप यहाँ फरवरी सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर आप यहाँ 2020 सेलेक्ट कर लेंगे। बिल टाइप में आप सैलरी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। बिल नेम में दोस्तों आप यहाँ उस ग्रुप का जो नेम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित होगा रिवर्ट बिल, आप यहाँ इस टैब पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। दोस्तों बिल रिवर्ट सक्सेसफुली, आप पॉपअप मैसेज को ओके कर देंगे। अभी दोस्तों यह बिल आपका रिवर्ट तो हो चुका है लेकिन अभी आपको इसको बिल को डिलीट और करना होगा, तो डिलीट करने के लिए आप डिलीट बिल पर जाएंगे। उसके लिए ऑथोराइजेशन में जाएंगे आप, ऑथोराइजेशन में आपको डिलीट बिल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का विंडो ओपन होगा, आप मंथ यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। मंथ सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करना रहता है ईयर को यहाँ पर आपके। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो 145 नंबर जो बिल था वह 22/2/2020 का क्रिएट जो बिल था वह आप यहाँ डिलीट कर देंगे। आपने चेकबॉक्स में क्लिक कर दिया जिस बिल को डिलीट करना है, आप डिलीट टैब पर क्लिक करेंगे, पॉपअप मैसेज प्रदर्शित होगा कि आप रियल में इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप इस ओके कर देंगे। दोस्तों आपका बिल यहाँ पर रिवर्ट हो चुका है, बिल डिलीट सक्सेसफुली, आप पॉपअप मैसेज ओके कर देंगे। अभी आप दोस्तों वापस अपने उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आप बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे मंथली सैलरी प्रोसेस। आप यहां इस टैब पर क्लिक कर देंगे। यहां दोस्तों आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहां ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। 2020 फरवरी माह का वेतन है तो फरवरी 2020 यहां सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ मैं सिंगल एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दूंगा और आप यहाँ प्रोसेस जो आपको टैब प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। दोस्तों सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली, आप ओके कर देंगे। दोस्तों यहाँ पहले आ रहा था सैलरी ऑलरेडी प्रोसेस, अभी आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली, आपका बिल जो है प्रोसेस हो चुका है सक्सेसफुली। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करने रहते हैं जो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। आप ऑथोराइजेशन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको यहाँ ऑप्शन प्रदर्शित होगा, आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं दोस्तों आपको ईयर पहले से सिलेक्ट कर रहता है, आप यदि ईयर चेंज करते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मंथ आप अपना यहाँ से चूज कर लेंगे। बिल टाइप आप यहाँ सैलरी है तो सैलरी सिलेक्ट कर देंगे। ग्रुप नेम जो है आप यहाँ
अपना वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने अभी बिल जनरेट किया है, प्रोसेस किया है। बिल नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपको विंडो प्रदर्शित होगा। यदि अपॉइंटमेंट लेटर है तो आप यहाँ अपलोड कर देंगे, एलपीसी है तो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इस सिंगल पीडीएफ में आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं संलग्न करने रहते हैं, आरओपी डिडक्शन ऑर्डर है, जीपीएफ फर्स्ट डिक्लेरेशन है, एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन है, आप यहाँ ऐड करेंगे। अपलोड अबसेंटी स्टेटमेंट नहीं है तो आप यहाँ नो अबसेंटी टैब पर क्लिक कर देंगे। अन्य किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है। आगे का जो प्रोसेस रहता है वो रहता है बिल प्रोसेसिंग में आप जाएंगे, डीडीओ फॉरवर्ड का प्रोसेस रहता है दोस्तों। तो डीडीओ फॉरवर्ड करने के लिए आप यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, फॉरवर्ड टू डीडीओ, आप यहाँ स्टेप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ सबसे पहले मंथ जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। इसके बाद में आप ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात सिलेक्ट बिल टाइप में आप यहाँ सैलरी बिल बना रहे हैं तो आप सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सैलरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जो ग्रुप है उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, किस ग्रुप में आपने बिल जनरेट किया है, प्रोसेस किया है। आप यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप यहाँ फॉरवर्ड जो आपको टैब प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, पॉपअप मैसेज आपके सामने प्रदर्शित होगा, बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। आप यहाँ ओके कर देंगे। दोस्तों आपका बिल डीडीओ फॉरवर्ड तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आप जो बिल है उसको फॉरवर्ड करेंगे ट्रेजरी के लिए। ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए आप दोस्तों वही प्रोसेस अपनाएंगे, ऑथराइजेशन में जाएंगे और आप यहाँ बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन जो बिल है उनका प्रोसेस बता रहा हूँ, डिजिटल सिग्नेचर से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप डायरेक्ट यहाँ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं ई सिग्नेचर यहाँ इसमें अप्लाई करता। यहाँ पर अपने मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ को सेलेक्ट करने के पश्चात ईयर यहाँ सेलेक्ट है, आप बिल टाइप जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सैलरी। दोस्तों बिल नेम में आप यहाँ ग्रुप जो है चूज कर लेंगे। ग्रुप चूज करने के पश्चात आपके इस प्रकार का विंडो ओपन होता है। आप यहाँ चेकबॉक्स में बिल नंबर के पास में बना हुआ जो चेकबॉक्स है जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, आप चेकबॉक्स में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, सबमिट का जो ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं सीए के अंदर ये सारा पैसा यहाँ आपके प्रदर्शित हो रहा है। आप इसको डिवाइड कर देंगे और आप यहाँ सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों प्लान नॉन प्लान सीएसएस डिटेल इंसर्ट सक्सेसफुली, आप ओके कर देंगे पॉपअप मैसेज को और आप यहाँ बने हुए फॉरवर्ड जो टैब है इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, आप ओके कर देंगे पॉपअप मैसेज को। यहाँ पर बिल आपका सक्सेसफुली यहाँ से फॉरवर्ड हो चुका है। अभी दोस्तों अगला जो प्रोसेस रहता है वह रहता है रिपोर्ट का। आप रिपोर्ट्स जो है उनको डाउनलोड करेंगे। दोस्तों आप रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, सैलरी रिपोर्ट पर आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। स्क्रॉल करते हुए सैलरी रिपोर्ट में आप आगे की तरफ आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ चूज करेंगे ऑल सैलरी रिपोर्ट्स, आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ रिपोर्ट सेक्शन जो है वह ओपन हो जाएगा। ईयर पहले से यहाँ सेलेक्ट है, मंथ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप नेम दोस्तों आप यहाँ अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने भी बिल बनाया है। दोस्तों बिल नंबर आप यहाँ एक नंबर बिल बनाया था अपन ने, यहाँ आप बिल नंबर जो है चूज कर लेंगे। रिपोर्ट टाइप में आप यहाँ इनर आउटर और शेड्यूल ले लेंगे, आप शो रिपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आउटर ले रहा हूँ, आप ओके कर देंगे। इसके बाद में इनर आप शो रिपोर्ट करेंगे, आप यहाँ ओके कर देंगे। इसके बाद में आप एक एक शेड्यूल शेड्यूल पर जाकर ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे, सारे शेड्यूल यहाँ आप एक साथ प्रिंट ले सकते हैं, ओके कर देंगे। अभी दोस्तों आप इनके प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट लेने के पश्चात इन पर सील और सिग्नेचर आप कर देंगे। इसके पश्चात इनको अपलोड करना रहता है। अभी दोस्तों आपके जो बने हुए जो डॉक्यूमेंट हैं जिन पे डीडीओ के सिग्नेचर हो गए हैं उनको आपको अपलोड करना रहता है। अपलोड करने के लिए दोस्तों आप ऑथराइजेशन में जाएंगे, यहाँ आपके सामने ऑप्शन मिलेगा आपको ऑफलाइन बिल सबमिशन अपलोड साइन रिपोर्ट, आप यहाँ क्लिक कर देंगे। विंडो एक बार यहाँ रिफ्रेश होगा। जैसे ही विंडो यहाँ रिफ्रेश हो जाता है आप देख सकते हैं अपलोड रिपोर्ट सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ आप मंथ जो है सेलेक्ट कर लेंगे फरवरी, क्योंकि अपन ने फरवरी मंथ का बिल यहाँ बनाया था।
इसके बाद दोस्तों आप बिल टाइप में सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मंथली सैलरी बिल था। ग्रुप में दोस्तों आप उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर आपने बिल बनाया है। अभी दोस्तों आप यहाँ बिल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट बिल नंबर 1। अभी दोस्तों आपको यहाँ फाइल चूज करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपलोड इनर रिपोर्ट, आप यहाँ ब्राउज करेंगे और जहाँ भी आपकी फाइल है आप वहाँ से इनर रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर देंगे। इनर आपका यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। अभी आप आउटर रिपोर्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। इसके बाद में अपलोड शेड्यूल आप यहाँ ब्राउज कर लेंगे और शेड्यूल जो है वो आप यहाँ ओपन कर देंगे। अभी दोस्तों आप यहाँ पर यदि आपकी कोई फाइल जैसे इनर की जगह आउटर लग गई है, फिर शेड्यूल लग गया है, तो इसके लिए आप यहाँ इससे इसको क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ सबमिट जो टैब आपको प्रदर्शित हो रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहां सबमिट टैब पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ये समय लेगा फाइल अपलोड होने में। दोस्तों ये है यहां पर जो नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप देख सकते हैं दोस्तों ऑल फाइल हैज बीन अपलोडेड। आप यहां पॉपअप मैसेज को ओके कर देंगे और आप यहां इनको देख सकते हैं, तीनों जो फाइलें हैं वो यहाँ अपलोड हो चुकी हैं। अभी दोस्तों आपका ये प्रोसेस जो था ये पूर्ण हो चुका है। अभी आप यदि ये देखना चाहते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑथोराइजेशन में जाएंगे आप। ऑथोराइजेशन में जाने के बाद में आप ऑफलाइन बिल सबमिशन रेफरेंस नंबर वाइज डॉक्यूमेंट स्टेटस, इस प्रकार का विंडो आपके सामने ओपन होगा। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आपने यहाँ रेफरेंस नंबर आपने जैसे ही एंट्री किया, सबमिट किया, आप देख सकते हैं बिल के रेफरेंस नंबर ये हैं, ट्रेजरी का नाम ये रहेगा, बिल डेट आज ही की डेट यहाँ प्रदर्शित हो रही है आज, क्योंकि ये आज ही बिल एलोकेशन किया अपन ने। बिल नंबर 1 है, टोकन नंबर इस पर अभी तक कोई लगा नहीं है, मतलब अभी तक इस पर किसी प्रकार का प्रोसेस नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ आपको टोकन नंबर इसका प्रदर्शित होगा, ऑब्जेक्शन यदि लगता है तो उसी आधार पर। दोस्तों इससे पहले मेरा एक वीडियो बना था जो ग्रुप चेंज के लिए था कि आप ग्रुप चेंज कैसे करें। ग्रुप मास्टर में आप गए थे उसके लिए, और ग्रुप मास्टर में आपने यहाँ पर चेंज कर दिया था ग्रुप को, तो उसके अंदर दोस्तों काफ़ी लोगों की ये दिक्कत आ रही है कि जैसे ही वो यहाँ से डायरेक्ट चेंज करते हैं, तो चेंज करने के दौरान उनका जो हेड है उसमें से डेजिग्नेशन गायब हो जाता है। दोस्तों यदि आपके यहाँ भी ऐसी दिक्कत है, डेजिग्नेशन गायब हो रहा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर नया ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ऐड ग्रुप में जाएंगे और एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप उस ग्रुप के एम्प्लॉयियों को जो नया ग्रुप आप क्रिएट करते हैं नए हेड के अनुसार, उसमें मूव कर देंगे। मूव करने के बाद में आप यहाँ से उस पुराने ग्रुप को डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हैं इन सभी के सामने आपको ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है डिलीट का। इस प्रकार से आपके जो डेजिग्नेशन जो गायब होने की समस्या है दोस्तों, वह भी दूर हो जाएगी। इसके बाद में आपके डेजिग्नेशन गायब नहीं होगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो रहेगा वो ई सिग्नेचर का रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ई सिग्नेचर के द्वारा किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। ये अपना जो प्रोसेस था वो ऑफलाइन प्रोसेस था। जिन लोगों का अभी तक डोंगल रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ये उन लोगों के लिए बनाया हुआ वीडियो है। दोस्तों सेकंड जो मेथड है वह रहेगा ई सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर है उनके द्वारा, वो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके बाय।